कैसे हैं व्यूअर्स, आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वॉशिंग मशीन का कवर, जो मैं इस वॉशिंग मशीन को चढ़ाकर दिखाऊंगी। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि वॉशिंग मशीन को कवर चढ़ाने की भी एक साइंस होती है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, और उम्मीद है आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स ये है मेरा वॉशिंग मशीन का कवर जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसके साथ ही मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप मेरे राइट हैंड पर देख रहे होंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है जिसमें मैंने दराज ऑनलाइन ऐप जो है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है और उस ऐप पर गई। उस ऐप पर जाकर मैंने सिंपल लिखा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कवर और डिफरेंट जो है कंपनीज के रिलेटेड जो प्राइजेज हैं वो मेरे सामने आ गए हैं। आपने करना है जिस पर आपका दिल बिलीव करता है आप उस पर जाएँ, जो प्राइस आपके बजट के अकॉर्डिंगली है आप जाएं सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें रिव्यू भी ज़रूर चेक करा किया करें कि उसमें रिव्यूज़ क्या दिए गए हैं, यानी कि डिफरेंट बंदों ने अगर परचेज़ किया है तो रिव्यूज़ क्या, अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आप उस कंपनी से डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये है मेरा वॉशिंग मशीन का कवर जो मैंने अपनी 12 kg वॉशिंग मशीन के लिए मंगाया है। अच्छा, मैं इसमें आपको बता दूँ, इसके बैक साइड पर इन्होंने इलास्टिक रबर बैंड दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इजीली एडजस्ट होने के लिए दिया गया है, यानी कि आप यही कवर 15 kg पर भी लगा सकते हैं। जब आप 15 kg पर चढ़ाते हैं तो वो फुल आ जाता है, जब 12 kg पर चढ़ाते हैं तो उन्होंने ये इलास्टिक बैंड दे दिया है एडजस्ट करने के लिए ताकि कवर इधर से उधर अपनी जगह से ना हिले इजीली उन्होंने। और आपने करना क्या है, चढ़ाते हुए आप ये इलास्टिक बैंड वाली जो साइड है ये इसके बैक पर जाएगी, यानी कि जब आप कवर चढ़ा रहे होंगे तो ये इलास्टिक बैंड वाली जगह जो है आप इसके बैक पर लेके जाएंगे ताकि जिप जो है इजीली इसके फ्रंट पर आ सके। ये दो कॉर्नर्स हैं, इस पर चढ़ गया है, अब मैं इस तरफ जाकर इसके बाकी दो कॉर्नर्स पर चढ़ाती हूँ। और अब ये इसके बाकी दो कॉर्नर्स पर चढ़ाने लगे कवर। रबर बैंड होने की वजह से बहुत ईजिली इसको चढ़ाना बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं आप किसी की हेल्प लें, अकेले ही आप इस कोई कवर को ईजिली चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके इसके बैक को दिखाना चाहूँगी, आप इसके बैक पर देख सकते हैं कि यहाँ जो है वॉल है, इसके वॉल को भी ईजिली जो है ये कवर ये चढ़ गया है। ड्रेनेज पाइप है इसका, ये बाहर है और ये ईजिली कवर जो है इसको टॉप टू बॉटम चला गया है। ये टॉप टू बॉटम आपने इजीली जो है इसको अच्छे से कवर कर लिया और आप ये देख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये कवर बहुत इजीली मैंने आसानी से विद इन 2 to 3 minutes मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है और इलास्टिक बैंड की वजह से बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया है, बिल्कुल भी ढीला नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे वॉशिंग मशीन पे कवर हुआ है। आप इसके बैक साइड भी चेक कर सकते हैं जहाँ इलास्टिक बैंड था, और आप इसके बैक साइड पे भी देख सकते हैं कि पूरी मशीन को कवर कर दिया है इसके कवर ने। अब मैं आपको इसकी जिप खोल के दिखाती हूँ। ये देखेंगे इसकी जिप है बहुत अच्छी बड़ी दी गई और बहुत ही स्मूथली जो है ये जिप जो है इसकी ओपन हो रही है, आप ये देख सकते हैं बीच में कोई चीज़ नहीं अटक रही और बहुत अच्छी क्वालिटी की इसकी जिप मुझे लग रही है। ये स्मूथली हो गई है और ईजिली हम इसको बैक पे कर सकते हैं और इसके डोर ईजिली ओपन करके हम मशीन को यूज़ कर सकते हैं और ईज़िली आफ्टर यूज़ मशीन को यूज़ करने के बाद आप फिर से इसको कवर को मशीन को पैक कर सकते हैं कवर बंद करके। ये जिप ईज़िली जो है ये जिप बंद हो गई, तो ये देखें व्यूअर्स, ये ईज़िली जिप भी बंद हो गई है और मशीन भी बहुत अच्छे से कवर हो गई है।
तो उम्मीद है व्यूअर्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने देखा कि जो ऑनलाइन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कवर परचेज किया था वो बहुत अच्छे मटेरियल का है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। आप भी जाकर जो है वो परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कवर कैसे चढ़ाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इलास्टिक बैंड जो इस वॉशिंग मशीन के कवर में दिए गए हैं वो आपने बैक साइड पे रखना है और फ्रंट साइड पे कोई इलास्टिक बैंड नहीं है और वो इजिली स्मूथली जो है वो कवर जो है वो इस पर चढ़ जाता है और इलास्टिक बैंड की वजह से कवर एडजस्ट हो जाता है वॉशिंग मशीन में इजिली, बिल्कुल भी ढाला नहीं लगता या ऐसा नहीं लगता कि जी बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, कुछ भी नहीं है, अपनी जगह पर वॉशिंग मशीन का कवर रहता है और इजीली आप इसे खोलकर मशीन को यूज कर वापस इसे कवर को पैक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर भी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।